look at the amount of stuff I have in here. So beautiful. Huggies and tatties. She lost her phone. Actually, unka phone chori ho gaya. Tumhare liye. Hi man, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. Welcome to new vlog. सुबह सुबह का समय है. आज मैं जल्दी उठ के, अभी तो 11 बज रहे हैं, बट मैं 8 बजे के आसपास उठ के, which is early for me. Okay, otherwise मैं 9 बजे तक उठती हूँ, which is not a good thing. You should wake up early. I'm trying my best, but कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो आराम से 7-8 घंटा सोना पसंद करती हूँ मैं. एनीवे, अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी. दिस इज माई सेकेंड कॉफी ऑफ द डे. फॉर सम रीजन जो सुबह कॉफी बनाई थी वो अच्छी ही बनी, तो एक और कॉफी मैं बनाऊंगी. एंड देन नया वाटर बॉटल आया तो हमको वो भी फिल करना है ये वाला डिस्पेंसर में. ठीक ठाक है कॉफी, पर अब अच्छा लग रहा है कॉफी पी के. इसको मैं फिनिश करूंगी, देन आई विल गेट रेडी टू मीट सारा. वी आर मीटिंग फॉर शॉपिंग डेट. हम लोग जा रहे हैं वेस्ट साइड. उसको कुछ घर का सामान लेना था और मैं काफी टाइम से उससे मिलने नहीं हूँ, तो उसको जाके मिलूंगी. आई एम ऑल रेडी, लेट्स गो मीट सारा. आई एम वेयरिंग समर ड्रेस टुडे. ये ड्रेस काफी पुराना है, 2019 में खरीदा था मैंने अपने बर्थडे के लिए. आई एम वेयरिंग शूज इसके साथ. बड़ी फिट लग रही हो सारा, बड़ी फिट हो गई हो तुम जिम जिम जाके. मेरे दुख में कि तू थी नहीं, मैं खाना अच्छा मैं बस कुछ टाइम के लिए नहीं थी. कब से नहीं है तू? ऐसा लग रहा है भाड़ा देती है वो मेरे को दे पैसा. मेरे घर पे ही रह तू. दिस इज गुड शॉल फॉर द स्ट्रोंग. हां तुम ले लो ताकि तुम हमेशा समय पे चले. तुमको जरूरत है? हम वेस्ट साइड आके अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं. घर वापस आ चुकी हूँ. किचन देख के समझ में आ रहा होगा आपको. आई चेंज माई क्लोथ्स, डिड माई स्किन केयर. रात का समय हो रहा है ये. सो शॉपिंग करने के बाद मैं और सारा सारा के नए घर चले गए थे. आई सॉ हर हाउस, हर किचन, हर स्टूडियो, हर बेडरूम, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. काफ़ी मेहनत कर रही है हमारी लड़की, एंड शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट. सच बताऊँ तो रात के 10:30 हो रहे, वापस आके मैं एक छोटा सा नैप ले लिया था. मतलब नहीं, बाहर जाती हूँ धूप सी लगती है तो थक सी जाती हूँ मैं. बट एनी वे आई गॉट अप एंड आई वॉज फीलिंग हंगरी, बट नॉट टू मच हंगरी, एंड आई डिड नॉट फेल लाइक कुकिंग अ लॉट. सो आई मेड माई सेल्फ मैगी विद सम पनीर एंड मटर. दिस इज द हेल्दी पार्ट एंड दिस इज द नॉन हेल्दी पार्ट. वो हाँ, बाल सवार लो, सवार लो. जैसे ही कैमरा ऑन होता है बाल सवारना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही. क्यों परेशान कर रहे हो मुझे शाला? क्या हुआ, क्या हो गया? ठीक है, फाइन, व्हाटएवर. आई वाज जस्ट शोइंग यू दैट आई एम हैविंग मैगी आफ्टर सो लॉन्ग. सी, दिक्कत ये है कि तुम मैगी नहीं खाती हो. यू मेक अ होल लाइक फैंसी डिश आउट ऑफ इट. हम एकदम शुद्ध मैगी खाने वाले इंसान हैं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड शुद्ध मैगी? यस्टरडे. And I think I'm having after 7-8 months. Scotland का staple food, जैसे हमारे यहाँ दाल चावल है, Scotland का staple food is Huggies and tatties. Huggies and tatties. Yes. He's not serious. You're serious. Yeah, look at that. Huggies is made of lamb lungs. It's made with mashed turnips or mashed potatoes. Good morning. This is the next day. I've taken shower. सुबह के 11 बज रहे हैं. So I got few things from Myntra. Myntra में sale चल रहा था तो मुझे कुछ home decor के item खरीदे थे और इधर उधर की चीजें भी खरीदी थी. I got lot of stuff and I want to do a haul. Look at the amount of stuff I have in here. Let's do a haul because उसके बाद मुझे ready होना है. फिर मुझे रिया से मिलने के लिए जाना है. I'm going to Carter Road. वहाँ पे तंजोर टिफिन है. We will be meeting there for lunch. रिया की एक महीने पहले शादी हुई. Then इसके बाद she went for honeymoon. उसके बाद वापस आ गई. We have lot of catch up to do and this South Indian restaurant is one of our favorite restaurant. वो बता रही थी तो excited to eat some South Indian food as well. First up, I have this round shape mirror which has this rope detail here. ये मैंने वॉल हैंगिंग के पर्पस के लिए मंगाया है. दोनों बाथरूम में मेरे मिरर ऑलरेडी है, बट ये मैं रूम में हैंग करूंगी, ये वाले रूम में, ये जो हॉल एरिया है, ताकि रूम और बड़ा लगे. मिरर ऐड करो ना रूम में, रूम बड़ा बड़ा लगता है. आई पेड 900 रुपीज फॉर दिस. जो आउटर फ्रेम है ये प्लास्टिक का है, बट मिरर इज अ गुड क्वालिटी. आई नीड टू क्लीन दिस मिरर बाय द वे.
guys. Next, I brought this brand Sevo's satin pillow covers. So you guys know this already that मैं satin या silk pillow cover में सोना पसंद करती हूँ. That's really good for your skin and your hair. And I already own a nude pink color का pillow cover satin material का ही. और मैं उसे ना round and round धो धो के वही वही pillow cover use करती हूँ. So I was in need of new one. So pair of two में आता है ये. I paid 800 rupees for two pairs. Material is really really good and you also get these three crunchies with them. Next, I have bed sheets. कल मैं सारा के साथ भी वेबसाइट में बेडशीट देख रही थी. देन आई रिमेम्बर्ड कि मैंने तो बेडशीट खरीदी है मिंत्रा से. बेडशीट ना ओमरे पैटर्न का बेडशीट है. कुछ ऐसा दिखेगा लगने के बाद. दिस इज हाउ द बेडशीट इज गोना लुक लाइक. काफी पीसेस आ गए मेरे पिलो कवर में क्योंकि ऐसा ऐसा रख दिया था मैंने इसको. सो इट्स अ डबल बेडशीट सेट एंड द प्राइस इज 900 रुपीज आई पेड फॉर दिस. नेक्स्ट आई हैव अ प्रिंटेड बेडशीट एंड इट्स अ वेरी सटल प्रिंटेड बेडशीट एंड दिस इज बाय द ब्रांड यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटे. काफी अच्छे खासे ऑफर में मुझे ये दिखा और मुझे तो ये देख के विश्वास नहीं हुआ कि यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटे बेडशीट्स बनाते हैं. सो द प्रिंट इज गोना लुक लाइक इट इज अगेन अ डबल बेडशीट एंड द ओरिजिनल प्राइस इज 3099 रुपीस फॉर दिस. सो इसमें एक बहुत ही सटल सा फ्लोरल वर्क है ऑल ओवर द बेडशीट. आई डोंट हैव एनी थीम गोइंग ऑन इन माय रूम और इन माय फ्लैट. आई जस्ट लाइक सटल कलर्स एंड प्रिंट्स एंड दिस इज अ वेरी सटल प्रिंट. लेट मी ओपन द पिलो कवर एंड शो यू दिस इज हाउ द बेडशीट इज गोना लुक लाइक. Look how sundar. So I paid 1200 rupees for this bed sheet after sale and discount. Next I got home center ka bamboo tissue box. Isme mujhe koi discount nahi mila. I paid 400 rupees. That's the actual price for this. And quality is ki itni achhi na ki mujhe lagta hai ki saalon saal chalne wala hai tissue box for sure. Next I got this laptop case. This is by the brand Only and the original price of this is 2299 rupees and I paid 680 rupees for this. And it's a waterproof one aur kaafi acha sa cushion diya gaya. इसमें आप इसको ऐसे चेन को ओपन करो एंड जस्ट इंसर्ट योर लैपटॉप. आई वाज इन नीड ऑफ वन. मैं आजकल अपना लैपटॉप कैरी करके चलना पसंद करती हूँ. इनफैक्ट आज भी जब मैं रिया से मिलने जाऊंगी ना अपना लैपटॉप कैरी करूंगी तो प्रॉब्ली आई एम गोना कीप माय लैपटॉप इन दिस टुडे. लैपटॉप केस की बात की है तो अब लैपटॉप बैग की भी बात कर लेते. आई गॉट अ न्यू लैपटॉप बैग. दिस इज बाय द ब्रांड ज़ोक. मेरा जो पुराना लैपटॉप बैग है ना जो मैं अभी तक यूज कर रही हूँ पिछले 3 साल से वो इसी ब्रांड का ही. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द ब्रांड नेम राइट. सो दे हैव लॉट ऑफ प्रिंट्स इन दिस पर्टिकुलर बैग स्टाइल बट आई opted for this subtle print and pattern. It's a really good material bag and quite spacious as well. इसमें zip भी आता है, आप इसको बंद कर सकते हो. The main reason I got this is because इसमें अलग से pouch दिया गया है to keep your water bottle एक side में. Apart from that, there is this compartment to keep your laptop. थोड़ी cushioning दी गई है front side में. 2 compartments here also and then यहाँ पे एक chain दिया गया. I'm so impressed with this. The original price of this bag is 4000 rupees. I paid 1500 sale में खरीदा मैंने इसको. I was eyeing on this bag for so long और जब बहुत अच्छा डिस्काउंट मुझे इसमें दिख गया then I bought this. Next up I got this flower vase. Hello hello. Can you hear this? My voice is echoing inside this. Okay, anyway, बचपन की याद आ गई मुझे. मैं ऐसा बहुत किया करती हूँ कप के साथ. सो दिस इज अ टेक्सचर्ड ग्लास वास. आई गॉट आई पेड 999 रुपीज 1000 रुपीज फॉर दिस एंड आई वेंट थ्रू मल्टीपल वासेस ओके ऑन एमेजोन ऑल्सो ऑन मित्रा ऑल्सो. फॉर सम रीजन वासेस एंड फ्लावर्स लाइक रियल फ्लावर्स मेक मी सो हैप्पी. समटाइम्स आई लाइक टू गेट रियल फ्लावर्स फॉर माई सेल्फ. समटाइम्स फ्रेंड्स एंड फैमिली वुड सेंड मी रियल फ्लावर्स. सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस अ लॉट एंड सो ब्यूटिफुल दिस वास इज. आई रियली लाइक दिस style, texture, color, everything about this. Next I got a bangle organizer. This is by the brand Kuber Industries. I paid 800 rupees for this 5-drawer bangle organizer. This is थोड़ा सस्ता मुझे Amazon में दिखा but बाद में दिखा जब मैंने इसको add to cart करके खरीद लिया था. मैंने सोचा चलो ठीक है आ जाएगा देखते हैं. then मैंने return नहीं किया इसको. anyway the material is really good for this. ऊपर plastic दिया गया. this is not कांच. इसके through आप see through कर सकते हो आपके bangles को. and then ये velvet का कपड़ा add किया उन्होंने wood के ऊपर. so it's very very nice quality. 5 drawer इसमें मिल जाते. I have only 1 bangle box. ओके बाकी सारे बैंगल्स मेरे इधर उधर छोटे छोटे बॉक्सेस में पड़े एंड आई एम गोना ऑर्गेनाइज माय बैंगल्स इन दिस. आई पेड 800 रुपीस फॉर दिस बॉक्स. नेक्स्ट आई हैव दिस जूट स्टोरेज बॉक्सेस. सो दिस इज द साइज मीडियम एंड दिस इज स्मॉल. दोनों पेयर में ही आए. आई पेड 660 रुपीस फॉर दिस. आई थिंक मुझे ये और सस्ता भी मिल सकता था बट वेस्ट साइड से तो ये सस्ता ही. कल मैं वेस्ट साइड में भी ऐसे जूट वाले बॉक्सेस देख रही थी. बड़े वाले में क्या स्टोर करूंगी वो मैंने डिसाइड नहीं किया है बट छोटे वाले में आई एम गोना बी स्टोरिंग माय स्किन केयर जो मेरे बाहर पड़े रहते हैं. एंड क्योंकि मुंबई में स्पेसिफिकली जिस एरिया मैं रहती हूँ वहाँ पे धूल बहुत उड़ती है. सो स्किन केयर वगैरह मुझे हर 3rd दिन में साफ करना पड़ता है. ऊपरी ऊपरी परत जम जाती है उसमें धूल की. सो आई एम गोना बी कीपिंग एवरीथिंग इन हियर. एंड अनदर थिंग दैट आई गॉट इट्स नॉट रेंटेड बट आई गॉट दिस फ्रॉम अमेज़न. दिस इज नॉट बाय आइकिया ओके. दिस इज बाय सम अदर ब्रांड. आइकिया जैसे तो क्वालिटी नहीं है बट
ठीक है डिसेंट है। आइकिया वाला मुझे महंगा पड़ रहा था तो अभी मैंने अपना मेकअप वेकअप थोड़ा बहुत इसमें डाल के रखा हुआ है, अभी भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। और ये सेकंड वाले ड्रॉर में मैंने अपने फाउंडेशन लिपस्टिक आई शैडो पैलेट्स वगैरह रखा है। आई एम तो हैप्पी विद दिस परचेज, आई वाज इन नीड ऑफ वन चेस्ट ड्रॉर। बट हाँ इसके जो एजेस है ना ये काफी शार्प है, इसके कॉर्नर्स भी काफी शार्प है तो उस चीज का ध्यान रखना, पर मैं लिंक तो कर दूंगी आप लोग के लिए। दिस इज द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग टुडे टू मीट रिया। आई एम वेयरिंग अ स्कर्ट आफ्टर सो लॉन्ग, मैं यूजुअली स्कर्ट्स पहनती नहीं आप लोग को पता है, पर आजकल थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ स्टाइलिंग को लेके मैं। दिस इज अ विक्टोरियन स्लीव स्टाइल का टॉप, गिंगम प्रिंट का स्कर्ट, इट्स अ रैप अराउंड स्कर्ट एंड ये वाले स्लिपॉन्स और जो मैंने वेस्ट साइड से लिए थे ये बिल्कुल मैच करते मेरी इयररिंग्स के साथ। लेट्स गो मीट रिया, सो एक्साइटेड एंड आई हैव अ वेडिंग गिफ्ट फॉर हर, वो भी हमें उसे देना है। Meet Riya. Riya, what is this? This is a platter that they are making us taste all the curries. It's a South Indian place. So different curries we have tasted. I like these two. I don't know the name of these two though. This is Madras Navy curry. This is Kaju ka base something. But this is pretty famous. I think you should. This is very nice. We can have this. धीरे धीरे करके यही खा लेंगे, पूरा स्टार्टर है हमारा। I've never seen a platter like this before. It's so cute also. Coconut rice anyone? Lemon rice. मेरा सिर्फ मसाला मसाला दिख रहा है क्योंकि मैं सब खा गई। This was so tasty. Thanks Riya for bringing me here. I'll come here more often now. Yeah, you should. If you guys want some nice South Indian food, you should come to Kajol. Food is done. I got something for Riya. Are you ready, Riya? Yes. This is for you. Do you wanna do unboxing? Yes. Ooh. It's not something from Sugar. It's from Solar Scale. Yes. So ये ना उसका वो कार्ड है, सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं उसका, सम कार्ड वी से, क्या बोलते हैं इसको, वारंटी और समथिंग। हाँ वारंटी कार्ड है। वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल। यू लाइक इट? It's so good. Now my purse is ka blue wala hai. Now you have red. Simple and statement. I really like it. Very minimal. Yay. That's my vibe. You're a very cute. Iske upar pehno. Ha. Done. Graphic t-shirt pe. Kitna sundar lag raha hai. Yeah, it's very pretty. If I wear something like something like even on this, it looks very nice. It gives very chic vibe. Ooh. Ye very pretty. Thank you. She loves it. I love it. That's what matters. Let's go. अभी हम लोग कार्टर रोड आ चुके हैं, आपको दिख रहा है वहां से समुद्र दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। काफी गर्मी है तो हम लोग ने शिकंजी ले लिया है, मैंने और रिया ने। It's good? ठंडक आ गई। The next day. Good morning. I had a very good sleep last night. अभी मैं जा रही हूँ बाहर पास वाले मार्केट अम्मा के लिए फोन लेने के लिए। अम्मा इज माई हाउस हेल्प, वो मेरे साथ करीबन 11 महीने से काम कर रही है। शी इज इन हर 60s. सो अम्मा ने नया फोन लिया था लास्ट मंथ ही, उन्होंने मुझसे एडवांस लिया था सैलरी। देन शी गॉट द फोन एंड विद इन वन मंथ शी लॉस्ट हर फोन। एक्चुअली उनका फोन चोरी हो गया एंड देन शी वॉज वेरी सैड। इट्स बीन वन वीक ऑलमोस्ट एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू लोकेट हर फोन, पर हो नहीं पा रहा है। सो आई थॉट ऑफ गिफ्टिंग हर अ फोन, क्योंकि अम्मा वो फोन ना काम के लिए यूज करती है मोस्टली। उनको टच स्क्रीन वाला फोन नहीं चाहिए, शी जस्ट वांट वो बटन वाला फोन जिससे वो फोन कर सके, कॉल कर सके, कोई उन्हें रीच आउट करना चाहता है तो उनको रीच आउट कर सके। आई एम गोना गेट हर एकदम स्टडी अच्छे क्वालिटी वाला फोन। सो लेट्स गो टू अ नियरेस्ट मार्केट बाय अ फोन फॉर अम्मा। आई एम गेटिंग फोन फॉर अम्मा नाउ। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। ये कितने? 2200 रुपए का। कैमरा वैमरा भी आता है क्या? कैमरा भी आया है और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा। इसमें ऐसे पकड़ने पे ना ये कितना सही लग रहा है, इसका मेकिंग बहुत सही दिख रहा है। ये सब ऐसे तो प्लास्टिक का है ना? ही दिख रहे ना? नहीं, प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक ही है। ये देख, ये डबल सिम कार्ड है, मेमोरी कार्ड है। और वो जो जियो का फोन आता है उसमें भी डुअल सिम आता है क्या? वो सिंगल सिम आता है उसमें, बट जियो चलता है और कुछ भी नहीं चलेगा। आई एम गोना गेट दिस फॉर हर। पर इसमें कार्ड नहीं है ना, कार्ड डालना पड़ेगा। Okay guys, I'm back home. Amma is working in the kitchen. I'm gonna go give this to her. Tumhare liye.
अरे बाप रे, तुम्हारा फोन घूम गया था ना? घूम गया ना, नहीं उठा रहा है वो। कोई बात नहीं, तो ये ना डुअल सिम है अम्मा, इसमें दो सिम लग सकता है, तुम्हारा पुराना वाला सिम लगा लेना। सिम भी लेना पड़ेगा ना अभी? हाँ, तो पुराना वाला नंबर आ जाएगा ना, तो और एक नया नंबर भी लगा सकती हो। इसमें एक एसडी कार्ड भी आएगा, वो मैं खरीद के दे दूंगी, तुम गाने वाने और भजन वजन जो भी है। क्या बोला बे, बहुत मेहरबानी किया है। अरे अम्मा खुश होना, अभी तो फोन आ गया, खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। इसको नहीं घुमाना अम्मा, इसको घुमाया, इसको घुमाया तो छे, अभी पांच है, अभी तुम छह लड़की है मेरा। ये दोनों कबूतर इतने अच्छे से चिल कर रहे हैं मेरे बालकनी में। आर यू गाइस पेइंग द रेंट फॉर दिस? आर यू इनसाइड कबूतर? ओके, ही इज सिटिंग देयर लाइक दिस फॉर अ व्हाइल नाउ, एंड आई थिंक दैट कबूतर इज कंसर्न्ड अबाउट दैट कबूतर। Should I just open and check? अगर वो उड़ गया तो I don't know. No. I think he's fine. I think I should not disturb them. Don't worry, I've paid the rent. You guys can chill. Also, major house update for you. I got two new sofas. जो पुराने sofa थे, टू सीटर एंड थ्री सीटर, फर्लिंगो से जो मैंने रेंट किया था वो मैंने वापस कर दिया, और ये दोनों मैंने नए सोफा रेंट किए। दिस वन इज अ रियली रियली कंफर्टेबल सोफा, आज ही आया है ये, और ये वाला भी काफी कंफर्टेबल है ये। उनका समय हो गया है तो मैं कॉफी बना रही हूँ। आपने कभी ये A2 मिल्क ट्राई किया है क्या? ये लोग ना शार्क टैंक पे भी आए थे। दिस इज बैक्ड बाय शार्क टैंक, आई बीन रियली रियली एंजॉयिंग दिस मिल्क। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द रेगुलर मिल्क, दिस इज 500 ml, बट ये मुझे काफी पसंद आ रहा है रिसेंटली। अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाई थी मैंने, और बाहर सनसेट इतना खूबसूरत दिख रहा है आज, वाओ। आज सारा दिन एडिट्स में निकल गया, इट्स डिनर टाइम नाउ एंड आई एम रियली क्रेविंग सम पनीर सैलेड, तो मैं वही बनाऊंगी। आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हो? क्योंकि ऑलिव ऑयल इन जनरल रेगुलर ऑयल से एक्सपेंसिव होता है, और आज ही सुबह मैंने ये ऑलिव ऑयल मंगवाया है। अब खाना ऑलिव ऑयल या फिर घी में बनेगा। आप लोग सोचोगे शालिनी सुबह मंगाया और बॉटल खाली कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरा ऑयल वाला बॉटल है ना उस पर मैंने ट्रांसफर किया है ऑयल। देखते हैं कि मुझे हेल्थ में कैसा फर्क नजर आता है ऑलिव ऑयल में स्विच करने के बाद। एनीवे, सैलेड के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है घर पे अभी, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट होगा ना वो सब मिक्स करके हम पनीर सैलेड बनाएंगे अच्छा वाला। थोड़ा सा आई बर्न माय ब्रोकली, मैंने रियलाइज नहीं किया कि पानी पूरा सूख चुका है। सो ओके, बट आई विल सॉर्ट इट। टेस्ट टेस्ट। इट्स क्रीमी, it's light and it is so good.